अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। रियाजुल जन्ना, रियाजुल जन्ना को मेरे आका मौला अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मवाक़िया और मुख्तलिफ मवाजिया पर मुशख्खस फरमाया। दारे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा या हुजरे उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हुजरे उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा या बाल्फाज़ दीगर सकूनत गाहे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम से लेकर मेरे आका व मौला अलैहि सलातु व सलाम के मिंबर के इख्तिताम तक ये जो इहाता है ये रियाजुल जन्ना है। आजकल उसको इस तरह मुशख्खस किया जाता है कि जिस इहाता की निशानदही मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई उस पर अलग रंग का अलग हैयत का कालीन बिछा होता है। बाकी मस्जिद नबवी शरीफ में और तरह का कालीन बिछा होता है ताकि वो जगह मुशख्खस रहे। इसको मेरे आका ने रियाजुल जन्ना कहा कि ये जन्नत के बाग का हिस्सा है, जन्नत का टुकड़ा है। और ये भी इरशाद फरमाया कि जिस वक़्त ये जहान लपेट दिया जाएगा तो ये जो टुकड़ा यहाँ से उठाकर जन्नत में रख दिया जाएगा। मेरे आका मौला अलैहि सलातो वस्सलाम रियाजुल जन्ना में जहाँ मुसल्ले नबवी है वहाँ से आलम में बाला में तसर्रुफ फरमाते थे, जन्नत में तसर्रुफ फरमाते थे। आम तौर पर तो हम चूंकि कमज़ोर हैं हमें इनकशाफ नहीं होता, जो अहलुल्ला हैं उनको ये इनकशाफात होते रहते हैं। जिस तरह बहुत से उरफा ने अपने मुशाहिदा का इजहार अपनी मरकूमात में किया या उनके मलफूजात में मौजूद है, और ये सब कुछ उनको मेरे आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके मिल रहा है। आका व मौला अलैहिस्सलातु व तहियतु वस्सलाम रियाजुल जन्ना में बिचे हुए अपने मुसल्ला पर खड़े होकर जन्नत में तसर्रु फरमाते थे, जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फकीहुल उम्मत से रवायत है कि सरकार दो आलम फजर की नमाज की इमामत कर रहे थे। आप दौरान नमाज आपने तकद्दुम फरमाया, अपना दस्त मुबारक दराज किया। बाद में हमने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो नमाज के अंदर खारजी हरकत से मनगा फरमाते हैं, लेकिन आज आपने नमाज के अंदर तकद्दुम भी फरमाया, दस्त मुबारक को भी ऊपर की तरफ तरफ़ दिया, बुलंद किया। तो आका मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सामने जन्नत लाई गई, उसमें एक अंगूर का खोशा मुझे पसंद आया, मैं आपके लिए तोड़ना चाहता था, लेकिन मलाइका ने फरमाया या रसूल अल्लाह हम आप पर कुर्बान हो, ये दुनिया की चीज़ नहीं है। तो रियाजुल जन्ना चूँकि जन्नत का हिस्सा है इसलिए उस हिस्से से जन्नत की वो सातों पर मेरे आका मौला अलैहिस्सलाम को तसर्रुफ मुयस्सर था। मेरे आका ने यहाँ पर यह भी फरमाया कि अगर मैं तोड़ लाता तो मेरी उम्मत कयामत तक तनावुल करती रहती, ना वो कम होता और ना ख़त्म होता और ना उसकी बरकत कम होती। इस तरह मेरे आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तादीब भी फरमाई है कि जो शख्स यहाँ नमाज पढ़े वो अपनी दुआओं में इस दुआ का ख़ास तौर पर इआदा करे कि अल्लाह तेरा ये वादा है कि तू जिसको अल्लाह आप करीम व जलील, आप रब जलील व जमील, आप मालिक अर्ज व समा, आप खालिक व बदी व फातिर सल्लल्लाहु अलैहि जल्ल शानहु व जल्ल मजदहु, जिसको जन्नत में दाखिल करते हैं उसको फिर जन्नत से निकालती नहीं है। दोजख, दोजख से खरूज है, जन्नत से खरूज नहीं है। जो जन्नत में दाखिल हो जाता है वो जन्नत में रहेगा। तो मेरे आका मौला ने तालीम फरमाया कि दुआ करो कि अल्लाह ए करीम रब,
ऐ अल्लाह ऐ जलीलो जमील ऐ रब वाहिद जल शानों का जल मजदों का, आपका वादा है कि जिसको जन्नत में दाखिल करे उसको निकालता नहीं। ऐ अल्लाह आपने मुझे रियाजुल जन्ना में दाखिल कर दिया है, अब मुझे यहाँ से न निकाल। मुराद है कि अब मुझे जहन्नम से खलासी अता फरमा और जन्नत के बागों में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफात के सिले में दाखिल फरमा दे। मेरे आका व मौला अलैहि सलाम ने यह भी फरमाया कि हौज़े कौसर मेरे इस मिंबर के नीचे है, हशर के मैदान में उजागर होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतल लिल आलमीन।